हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट रशिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाली है एक ऐसे ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो हम बात कर रहे हैं काउंटी ग्राउंड की। तो आप सोच रहे होंगे कि काउंटी ग्राउंड की तो आपने पहले भी देखी होगी पिच रिपोर्ट। तो काउंटी ग्राउंड नेम से बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं काउंटी ग्राउंड की, जो कि चेम्सफोर्ड में सिचुएटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1925 में। इसकी सिटिंग कैपेसिटी है लगभग 6,500 स्पेक्टेटर्स। इसका द फोर्थ काउंटी ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके एंड्स हैं वो हैं रिवर एंड और हेयर्स क्लोज एंड। और इसकी लोकेशन है चेम्सफोर्ड, इंग्लैंड। इसका टाइम जोन है UTC+01। और ये होम ग्राउंड है एसेक्स टीम का। और इसकी इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टैट्स की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल मैच इस पिच पर, इस ग्राउंड पर अब तक एक भी नहीं खेला गया है। जी हाँ, तो इसलिए हम ODI स्टैट्स से शुरू करते हैं। तो ODI के टोटल यहाँ पर 4 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से दो फर्स्ट बैटिंग पर जीते गए हैं और दो सेकेंड बैटिंग पर जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट स्कोर यहाँ पर बनता है 199 का, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया ने बनाए हैं 247 रन्स 10 विकेट्स पे, और लोएस्ट बनाए हैं यहाँ पर बांग्लादेश ने 116 रन्स 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 200 यहाँ पर एक बार बना है, और स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 दो बार बना है। स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 नहीं बना है, और ना ही 300 से अबव बन पाया है। अब चलते हैं T20 डोमेस्टिक पे। तो मैं डोमेस्टिक के यहाँ पर 49 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 23 जीते गए हैं, और बैटिंग सेकंड करने पर 25 जीते गए हैं, और एक मैच यहाँ पर टाई भी रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में 174 होता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर एसेक्स टीम ने बनाए हैं 244 रन 7 विकेट्स पे, और लोएस्ट बनाए हैं ग्लैमॉर्गन टीम ने 104 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो स्कोर 150 यहाँ पर 8 बार बना है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 13 बार। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 15 बार। और अबव 190 13 बार। तो गाइज, ये कर ली हमने स्टैट्स की बात। तो यहाँ पर T20 का तो कोई मैच खेला ही नहीं गया है, और ODI के सिर्फ 4 खेले गए हैं, और डोमेस्टिक के थोड़े ज़्यादा 49 खेले गए हैं। अब हम चलते हैं काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग पिच माना जाता है, क्योंकि बैट्समैन यहाँ पे अच्छा खेल पाते हैं। और ऐसा भी है इस पिच का, यहाँ पर जो टीम चेज कर रही होती है, जो सेकंड बैटिंग करती है, उसके लिए थोड़ी परेशानियाँ बढ़ जाती है, और उसको उनको वो ज़्यादा हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं इसके वेदर रिपोर्ट पर। यहाँ का टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 1%, ह्यूमिडिटी 67%, और विंड की स्पीड होगी 14 किलोमीटर पर आवर की। अब हम चलते हैं काउंटी ग्राउंड के रिकॉर्ड्स की तरफ। तो हम सब बात कर रहे हैं काउंटी ग्राउंड के ODI हाईएस्ट स्कोर्स की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन टीम्स और कंट्रीज की जिन्होंने इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर किया है ODI के मैचेस में, कि कितना उन्होंने स्कोर किया है और वर्सेस में उनके कौन सी टीम थी। तो सबसे पहले है इंडिया। इंडिया ने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया है यहाँ पे 247 रन वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद है जिम्बाब्वे 233 रन 6 विकेट्स में वर्सेज में साउथ अफ्रीका है। फिर बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने 185 रन वर्सेज में जिम्बाब्वे के। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 129 रन वर्सेज में इंडिया। उसके बाद है न्यूजीलैंड 117 रन 4 विकेट्स में वर्सेज में बांग्लादेश के। उसके बाद है बांग्लादेश 116 रन वर्सेज में न्यूजीलैंड। अब हम चलते हैं काउंटी ग्राउंड के टॉस फैक्टर की तरफ। तो ODI की बात करें तो 2 मैचेस जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर, और 2 ही जीते गए हैं बॉलिंग फर्स्ट करने पर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 207 है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 150 है। और T20 की अगर बात करें, T20 में फर्स्ट बैटिंग पर 2 मैचेस जीते गए हैं, और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 3 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 164 होता है, और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 138 होता है। तो ODI में, जैसा कि आपको पता है, 4 मैचेस में से 2 बैटिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं और 2 बॉलिंग फर्स्ट पर। और इसकी पिच का बिहेवियर है कि यहाँ पर बैटर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और जो सेकंड बैटिंग करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज करेगी, ताकि वो अच्छा खासा रन्स का टारगेट बनाए, और जो अपोजिट टीम है वो उसको चेज ना कर पाए। तो गाइज, ये थी काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट, जो कि चेम्सफोर्ड में सिचुएटेड है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।